A gente tá maluca naquilo, cara. Vamos lá, Xuxa. A gente tá maluca naquilo, cara. Vamos lá, Xuxa. मैं इनकी पुफीरी बहन हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ। मैं भी 8 दिन से पागल हो गई हूँ। अब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आया सिवाय यहाँ पे आने के। हम दिन रात 8 दिन से घूम रहे हैं पागलों की तरह। हम हाजिन बांडीपोरा से आए हैं। 8 दिन से ये मिसिंग है, 8 दिन से लापता है। सुबह 10 बजे ये घर से निकली है। इसका नाम क्या है? इसका नाम शिराजा बेगम है। ये हाजिन में रहती है। तो मिसिंग मिसिंग अपने ससुराल से हुई है। ये 2 मंथ अपने मायके में थी। ये दवाई खा रही थी। इसने लगभग 30-35 हज़ार की दवाई खाई है। उसकी वजह से इसका दिमागी तवाजुन थोड़ा सा तेज़ हो गया था। इसके साथ बात भी नहीं की जाती थी। ये वहाँ से तेज़ अंदाज में बात का जवाब देती थी। तो अब सुबह ये 10 बजे निकली है। उसके बाद ये लापता है। विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है। इसका हस्बैंड भी 8 दिन से पागलों की तरह ढूंढ रहा है सड़कों पर। हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट डाली है। हमें कहीं से फ़ोन आता है, हम इनको बोलते हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हर एक कार्रवाई करते हैं। तो हमने सुना था कि कोई गाड़ी वाला था जिसने उसको लिया है फिर वापस छोड़ा था, ये कहां तक सच है? हमें कल फ़ोन आ गया है, बारामुल्ला का है वो। तो उसने पाटन साइड से किसी ड्राइवर ने, इसने हाथ दिया है, उसने बोला है मैंने इसको उठाया है, तो इसने बोला मुझे वहाँ पे छोड़ो आप, तो उसने बेचारे ने वहाँ पे छोड़ा है। तो उसके बाद उसने घर पहुँच के वो न्यूज़ देखी है। उसने बोला मेरे पास छोटा मोबाइल है, मुझे घर पहुँच के बच्चियों ने बोला ऐसे कोई लड़की मिसिंग है। तो उसने उसी टाइम हमें फ़ोन किया, ऐसा वाकया हुआ 3 दिन पहले, मैंने इसको उठाया है यहाँ से, कहाँ से टाटा गाड़ी में इसको उठाया है, पाटन से छोड़ा है, बारामूला में इसको छोड़ा है बस स्टैंड के पास। तो आज हम आधे तो यहाँ पे आए हैं, आधे तो वहाँ दर बदर घूम रहे हैं। बारामूला भी आपकी जो टीम है वहाँ पर गई है ढूंढने? वहाँ भी गई है ढूंढने, वहाँ पे इसके सारे आधे गए हैं ढूंढने। ये इसको जाना था डॉक्टर के पास और लाना था किचन के लिए कुछ मैटिंग। तो ये सुबह निकली उधर से 9:45 के करीब घर से निकली है। मैं तो दुकान पे था, तो इसने बोला था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी पहले, तो बाद में हम दुकान पे आएंगे। फिर ये वहाँ से वापस नहीं आए। जब मैंने सुना कि ये घर नहीं पहुँची, तो मैं गया उधर हॉस्पिटल देखने के लिए, क्योंकि उससे पहले एक रोज़ ये एडमिट थी। तो मैं गया, फिर से एडमिट ना हुई, तो मैं उधर गया। जब मैं उधर गया हॉस्पिटल, तो वहाँ ये नहीं थी। फिर मैं सुंबल हॉस्पिटल गया, तो वहाँ भी ये नहीं थी। फिर मैंने दिन भर ढूंढने की कोशिश की इसको बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ तो मिली नहीं। फिर मैं पुलिस स्टेशन हाजन गया, वहाँ मैंने मिसिंग रिपोर्ट डाला और उनको बोला 2 दिन हमें दे दो, हम ढूंढेंगे कि ये किसी रिलेटिव के पास तो नहीं गई। लेकिन तब से हमें पता ही नहीं। आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे। मायके कहाँ हैं? मायके भी वही है, चाकी चंद्री के।
उनका क्या कहना, वो उनको उस टाइम पता ही नहीं थे, वो घर में थे, उनका भी कुछ पता ही नहीं था। वो दवा की वजह से, दो महीने से वो बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। नहीं, अगर उसकी दिमागी तवाज़ुन थोड़ा मतलब मेंटली वो नहीं थी उतने, लेकिन मुझे लगता है दवाई की वजह से वो क्या सर नहीं उतना दिमागी नहीं उतना नहीं उतना नहीं।